हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम स्टेशन में। आज हम आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं। जो भी कैंडिडेट इंडियन कोस्ट गार्ड में जाने का इच्छुक हो तो वहाँ पे फॉर्म निकले हुए हैं। जिन्होंने भी डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल में, तो उनके लिए जॉब है। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि 16 से 22 तारीख के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्निकल 60% के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट को। मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम 22 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, वैकेंसी है 37 वैकेंसी अप्रोक्सीमेट। जनरल की 8 है, EWS की 1, OBC 6 है, ST 2, SC 2। तो ये वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पे एंड अलाउंस जो है वो 29,200 रुपये का है लेवल 5 का, और 6,500 आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आपको सुविधा मिलेगी फ्री राशन कार्ड, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फैमिली इंक्लूडिंग होगी इसमें। जो भी गवर्नमेंट अलाउंस देगी, अकोमोडेशन देगी, वो सब मिलेगा। लाइसेंस फ्री। और दोस्तों, ये हाउ टू अप्लाई, इसमें जो ऑनलाइन है ये www.joinindiancoastguard.in, यहाँ पे जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें जो एज ए बर्थ सर्टिफिकेट है वो 10वीं की DMC चल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें इंफॉर्मेशन है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर आपको चाहिएगा। आप एक भी सेंटर चूज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों, जब आप साइट पे जाओगे तो वहाँ अपॉर्चुनिटी होगा, उस पर क्लिक करना। वहाँ पे उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करनी है। यांत्रिक 2/2020 बैच, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एंड कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वहाँ पे आपको अपनी जो भी पोस्ट सेलेक्ट करनी है इनमें से, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल में, टेक्निकल में। इसके बाद आपको एग्री पे करना है। जो स्टार होगा वो सारे के सारे रिकमेंडेड प्लेस होगा, मतलब मैंडेटरी होगा उनको भरना। कैंडिडेट इंश्योर कर ले कि सभी के सभी जो उन्होंने अपनी डिटेल भरी है वो सभी की सभी करेक्ट हों। नेक्स्ट, उसके बाद आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि फर्दर में आपके यूज़ के लिए होगा। आप वहाँ से अपनी प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें दोस्तों 9 से 16 अप्रैल के बीच में आपको एक रिजेक्शन स्लिप मिल जाएगी। जिन जिन कैंडिडेटों की रिजेक्ट होगी वो आपको मिल जाएगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 3 कॉपी ऑफ ईमेल कार्ड, जो एडमिट कार्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड होगा, वो जो भी अलॉट है आपको उनके साथ लेके आने हैं। नेक्स्ट दोस्त, आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। 10वीं के सेमेस्टर जो भी हैं, जितने भी सेमेस्टर होते हैं, उन सभी की फ़ोटो कॉपी, और उनको सेल्फ अटेस्टेड करवाना है। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 सेंटर हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा। तो अप्रोक्सीमेट आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जिस एरिया में भी करना है। तो दोस्तों, ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट टाइम होता है, जल्दी सिलेक्शन होता है इसमें। तो दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप आगे इसको अप्लाई कर सकते हैं। 16 के बाद आपको 1.16 किलोमीटर की 7 मिनट में रेस है, 20 स्क्वाट, उठ बैठ, 10 पुशअप करने हैं आपको फिजिकल में। तो फिजिकल कोई इतना हार्ड नहीं है। तो दोस्तों, ये सभी डिटेल्स हैं। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको साथ लेके चलने हैं। 3 कॉपी मैंने बताया दिया, 2 कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और सेमेस्टर की भी ओरिजिनल होनी चाहिए। कोई भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी इसको करें और अप्लाई करें और एग्ज़ाम दें, और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।